बरेली कॉलेज गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका अवैध कोचिंग का पुतला। अवैध कोचिंगों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर में सूरत जैसी घटना न हो इसको लेकर का पुतला फूंका। साथ ही प्रशासन से मांग की है जो कोचिंग मानक के अनुरूप हैं उनके संचाल के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई तथा आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोचिंग पर लगाम नहीं लगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े तेवर अपनाएगा। कोचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। कन्याचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कन्याचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मत्ता के जज परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जज परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जज परिषद अरे मत्ता के कन्याचारी नहीं चलेगी। क्या मामला है गौरव जी? जी आप देख रहे हैं शहर के अंदर कई अवैध कोचिंगें चल रही हैं जो सरकार ने मानक तय किए हैं कि आप और कई सारे सरकारी शिक्षक भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं। जो सरकार का नियम है कि सरकारी शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, लोग जगह पे जगह कोचिंग खोले बैठे हैं। भारत के अवैध कोचिंग बंद करो, बंद करो, कोचिंग अवैध चल रही है। अगर किसी प्रकार की घटना होती है, आपने देखा सूरत के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी वो कोई छोटी कोचिंग थी, एक बड़ी कोचिंग जिसमें पूरा देश सहम उठा, इस किस प्रकार से वो आग लगी हुई। बेचारे हमारे छात्र छात्रा भाई बहन जिस प्रकार से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं बरेली के अंदर जो कोचिंगें चल रही हैं क्या उनके मानक पूरे हैं? जो अवैध कोचिंग चल रही है आज विद्यार्थी परिषद बरेली ने उनका पुतला फूंका है। तत्काल ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं, तत्काल ऐसी अवैध कोचिंग बंद की जाए और जो कोचिंगें चल रही हैं क्या वो मानक के ऊपर चल रही हैं? क्या उनके पास अगर आग लगती अग्निशमन यंत्र सारी चीज़ लगे हुए हैं? क्या जो उनके सरकार ने मानक तय किए क्या वो पूरे कर रहे हैं? अगर इस प्रकार से कोई कोचिंग चलती है तभी मानक तय किए हुए कोचिंग चले, बाकी और कोचिंग अवैध बंद की जाए। विद्यार्थी परिषद अगर ये बंद नहीं होती इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। क्या आपने ऐसी अभी तक कोई भी ऐसी कोचिंगें पाई हैं जिनमें अवैध आपको लगा है कि उनके मानक पूरे नहीं है? अभी कुछ दिन पहले ये अपने शहर की प्रतिष्ठित कोचिंग है महिंद्रा कोचिंग, इसमें भी इस प्रकार की घटना हुई। यहाँ एक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई पर किसी कारणवश साथ सभी लोगों ने उसको बुझा लिया। अगर सोचिए किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा हो रहा था, इसका जिम्मेदार कौन था? इसलिए जो बड़ी बड़ी कोचिंग है इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए जो अवैध कोचिंग चल रही है इनको तत्काल बंद किया जाए।